ले जनाब, दैट वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड, दैट वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड. नाउ इट्स योर टाइम. अब आपने क्या करना है, वन बाय वन अपना क्वेश्चन टाइप करके चैट बॉक्स में डाल देना है और बार बार उसको रिपीट नहीं करना. ठीक है, मैं इस टाइम से ऑनवर्ड सिर्फ और सिर्फ आपके सवालों को एड्रेस करूंगा और उन्हीं को रिस्पॉन्स कर रहा हूंगा वॉइस के ऊपर. टीम से रिक्वेस्ट है कि अगर आप साथ साथ चैट के अंदर भी उसको रिप्लाई करते रहें तो दैट वुड बी अ ग्रेट हेल्प, बट मैं इसको वॉइस के ऊपर तो आंसर कर ही रहा हूं. जी, वन बाय वन करके देखते हैं. ये मैंने आपके क्वेश्चंस को ओपन कर दिया सर. इस अटेम्प्ट में BMBS, FAR1 और TREX दिया था. BM और TREX अल्हम्दुलिल्लाह पास हो गया, वेरी गुड. FR1 47 पे रह गया है, सो सैड. और अब मेरे पेपर्स हैं FR2, CM में ऑडिट. तो आप क्या बेस्ट एडवाइस देंगे, FR1 की दोबारा क्लासेस ले लूं? मैंने आपको बताया, अगर आपका FR1 40 प्लस पे रहा है तो दोबारा क्लासेस की कोई जरूरत नहीं है. आपको सिर्फ एक अच्छे ऑनलाइन इंस्टीट्यूट से टेस्टिंग की जरूरत है, दैट्स इट. और FR1 चूंकि 40s में रहा है तो आप FR2 और CM में साथ उठा सकते हो. ऑडिट अगर आप चौथा पेपर ऐड करना चाहो तो कर लो, बट दैट इज स्ट्रिक्टली योर कॉल. और आप CM एबल ड्रॉप करके ऑडिट पिक कर सकते हो क्योंकि सारे पेपर्स अदरवाइज न्यूमेरिकल हो जाएंगे. जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम, मैं उसको नाम नहीं ले रहा. अच्छा जी, सवाल माशाल्लाह बहुत लंबा है. अस्सलाम वालेकुम सर, ये एक फीमेल का सवाल है. सर जी, मैंने आपसे मशवरा लेना था कि एक्चुअली मैंने 3 पेपर दिए थे इस अटेम्प्ट में, BMBS लॉ, टैक्स. टैक्स BMBS पास हो गया, लॉ 48 पे रह गया. मैंने रीचेकिंग करवाने का सोचा है. नहीं, रीचेकिंग में, अच्छा एक चीज आपको बता दूं, रीचेकिंग इज नॉट रीचेकिंग, दैट इज रीकाउंटिंग. आपके मार्क्स को रीकाउंट किया जाता है कि आईकैड ने जो टोटल आपको दिया है वो सही है या नहीं. क्या कोई कास्टिंग एरर तो नहीं हो गया? रीचेकिंग में ऐसा नहीं होता कि आपका पूरा पेपर दोबारा से चेक हो, तो उसका कोई फायदा नहीं होता. सर 48 में जो कि आपका रह गया है लॉ, तो अब आपने उसके टेस्ट देने हैं. मिस ऑडिट जो कि ठीक है, अब मैं कंफ्यूज हूँ. ऑडिट जो कि मैं आपसे ले रही हूँ FR2 और DMA, नाउ आई एम कंफ्यूज अबाउट सिलेक्टिंग द सब्जेक्ट. मुझे कोई कहता है कि पांच इकट्ठे नहीं देने, 3 इज आइडियल साइज. तो मैंने सोचा है कि मैं ऑडिट FR2 और कॉस्ट इस दफा दे दूं, लॉ नेक्स्ट टाइम नहीं. लॉ अभी आपका 48 पर रहा है, तो कोशिश करके लॉ अगर आप निकाल सकते हो, दो पेपर्स कंबाइन करके दे सकते हो तो दे दो. यहां से आप CMA को साइड पे करके अगर आप लॉ प्लग इन कर दो तो दैट वुड बी गुड. बाकी इस पे काम आपने करना. सर क्या हमें बी लॉ चूज कर लेना चाहिए? जी बिल्कुल, बी लॉ चूज करें. अब ये बता दूं कि बी लॉ इज नॉट पूरा बी लॉ, बी लॉ इज एम लॉ, मर्केंटाइल लॉ. सर मेरा टैक्स, कॉस्ट और R1 के साथ बी लॉ अटेम्प्ट कर सकता हूं? जी बिल्कुल कर सकते हैं. सर सेशन की रिकॉर्डिंग बिल्कुल मिल जाएगी इस्लाम भाई. सर हाउ मैनी शुड बी एलोकेटेड डेली? अब ये नहीं पता कि आपने R3 पूछोगे गालबन. देखो डिपेंड करता है सब्जेक्ट के नेचर के ऊपर. अगर तो वो सब्जेक्ट थ्रेटिकल है जस्ट लाइक लॉ और ऑडिट, तो वो हार्डली घंटा सवा घंटा. न्यूमेरिकल है तो 2 घंटे, 2.25 घंटे, कम से कम आपको इतना टाइम तो देना चाहिए घर जाके. सर लॉ मेरा पिछली बार 48 पे रह गया था, इस बार 40 पे रह गया, तो मेरे भाई यकीनन कोई ना कोई मसला आपको एग्जाम हॉल में आया होगा. दो दफा 40s में रहने का मतलब ये है कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, शायद आप सही से लिख नहीं पा रहे. और ये भी हो सकता है कि शायद आपने एक ही पेज पे कुछ सवालों को इकट्ठा कर दिया हो. क्या ये तो नहीं किया था आपने? अगर ऐसा किया है तो आपने इसको भी ओवरकम कर लेना.
जी सर, FR1 के अंदर मुझे जरा दोबारा से गाइड कर दे, मुझे क्या करना चाहिए। देखो मैंने जैसे आपको पहले बताया, FR1 अगर तो आपका 40+ पे रहा है तो आपको टेस्टिंग तो उसकी लेनी ही चाहिए, बट चूंकि उसमें कुछ स्टैंडर्ड्स नए भी ऐड हो गए हैं तो कोशिश करें कि उसका स्पेसिफिक मॉड्यूल परचेज कर लें, स्पेसिफिक मॉड्यूल परचेज कर लें ताकि वो नए स्टैंडर्ड्स जो कि ऐड हुए हैं उनको आप कवर अप कर सके। सर CA में ऑडिट FR2 CLAW BLAW, यकीन मानिए 5 अटेम्प्ट ना करें, 3 कर लें, दैट वुड बी मोर देन इनफ। सर क्या FR1 टेक CLAW का कॉम्बिनेशन ठीक है? कॉम्बिनेशन तो अच्छा लग रहा है, बस ये देख लेंगे क्या इन सब पेपर्स के अंदर एक एक दिन का गैप जरूर है। गैप इज अ मस्ट, वक्फा जरूरी है। सर व्हाट शुड आई डू, आपका सवाल इनकम्प्लीट है, दोबारा से टाइप करें प्लीज। सर BMBS FR1, सर BMBS पास हो गया है, FR1 22 पर आया है और टैक्स 46 पर आया है। FR1 तो आपको लाजमी क्लासेस लेनी चाहिए, टैक्स के आप टेस्ट सेशन को ज्वाइन कर सकते हो, चाहे वो किसी भी इंस्टीट्यूट का हो, डजेंट मैटर। बस ये मेक श्योर कर लेना कि वो प्रॉपर फीडबैक्स वगैरह प्रोवाइड करते हो। सर लॉ में 3 लगातार अटेम्प्ट लगी हैं, इस अटेम्प्ट में उठाना चाहिए। देखो 3 लगातार अटेम्प्ट लगाना भी एक ब्लेसिंग इन डिसगाइज है कि अब आपको पता है कि आपका शॉर्टफॉल कहाँ पे है। 3 दफा अगर आपने एक सब्जेक्ट को पढ़ा है तो अब आपकी इतनी ग्रिप तो होनी चाहिए कि आप पोस्ट बैच के अंदर आके चीजों को सम अप करके अपनी गलतियां आइडेंटिफाई करके उसको मेकअप कर सकें, तो यस आपको कर लेना चाहिए। उसके बाद कोई अच्छा सवाल मुझे अगर मिल जाए, क्योंकि कुछ थैंक यू के कमेंट्स भी बीच में घुस जाते हैं। सर टैक्स FR1 सी लॉ कैसा कॉम्बिनेशन है? टैक्स का एग्जाम 11 को है, सी लॉ वो पेपर है जिसका सिलेबस बहुत कम है। अगर इस पेपर में आपको छुट्टी नहीं भी मिल रही तो कोई मसला नहीं है, ये आप टैक्स का पेपर देके आगे भी तैयार कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। सर अभी मैं बी लॉ सी लॉ और कॉस की क्लासेस दे रहा हूँ इस अटेम्प्ट में, ठीक है। FR1 और टैक्स में फेल हो गया हूँ 31 पे और 30 पे, ठीक है, और बी लॉ की जगह FR1 रख लूं। देखो मेरे भाई, FR1 और टैक्स तो आपको लाजमी दोबारा से अटेम्प्ट करना चाहिए और इनकी क्लासेस भी लेनी चाहिए। इसके साथ जो आप पेपर जोड़ सकते हो दैट कैन बी सी लॉ, क्योंकि उसका सिलेबस छोटा है और आप उसको इजीली कवर अप कर सकते हो। कॉस्ट की तरफ जा जरूर सकते हो, मगर सी लॉ को मैं ज्यादा प्रेफर करूंगा यहाँ पे। सर को टाइम लिमिट 4 इयर्स है, वो कब से स्टार्ट है? इस अटेम्प्ट से, अब से वो टाइम लिमिट काउंट होगी, क्योंकि रिजल्ट के बाद पुरानी स्कीम सफाए हस्ती से अब मिट चुकी है। सर हाउ मेनी आवर्स शुड बी एलोकेटेड डेली? थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स के लिए 45 मिनट्स, 1 आवर या मैक्सिमम 1 घंटा 15 मिनट, और न्यूमेरिकल के लिए 1.25 या 2.5 घंटे। सर ऑडिट का सिलेबस थोड़ा चेंज हुआ है, मेरा ऑडिट 40+ पे फेल हुआ और ये लास्ट पेपर था मेरा, तो क्या मुझे पोस्ट? बिल्कुल बिल्कुल, पोस्ट बैच इज अ मस्ट, क्योंकि इस पेपर में चेंजेस हैं और विदाउट नोइंग चेंजेस आप इसके टेस्टिंग के अंदर भी परेशान हो रहे होंगे। तो ऑडिट FR1 के लिए जरूरी है कि आप लोग कम से कम पोस्ट बैच लाजमी अटेंड करें, क्योंकि ये 2 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें एडिशंस हुई हैं, बाकियों में ज्यादातर डिलीशंस हैं। और इसके साथ बी लॉ के वो जो कुछ एरियाज ऐड हुए हैं वो अगर आप स्पेसिफिक मॉड्यूल्स को परचेज कर सकें किसी भी ऑनलाइन वेंचर के, तो वो कवर अप हो जाएगा, उसमें कोई मसला नहीं आने वाला। सर मेरा बी लॉ, सर मेरा बी लॉ टैक्स FR1 दिया था बट रिजल्ट टैक्स में पास हो गया हूँ, FR1 40 और लॉ 38 है रिमेनिंग, बिजनेस एंड कंपनी लॉ FR2, विच पेपर कैन सेलेक्ट? आप बेटा ऐसा करो कि FR1 दो, सी लॉ और बी लॉ दो। कामरान क्लियर। सर मैंने फास्ट ट्रैक में K4 किया था रातिफ आबदी से, मेरी तैयारी बहुत अच्छी थी, प्लान भी था, प्रॉपर भी था, बहुत अच्छा हुआ था, 100% करके आया था, बट रिजल्ट देख के शॉक हूँ। कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, BMBS की अगर हम अब बात ना ही करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये सब्जेक्ट तो खत्म हो चुका है।
अब आपको चाहिए कि अब आप इसकी इसके बदले यू कैन ऑप्ट एनी पेपर बट गो फॉर कॉस्ट, क्योंकि उसके अंदर चीजें अब थोड़ी इजी हो गई हैं। अगर वो पास है तो देन गो फॉर MFA। सर लॉ 38 पर रहा हो तो टैक्स और रेफरवर्क के साथ लॉ कौन सा पार्ट उठाऊं? दोनों दोनों उठा ले अल्लाह की सुपुर्द, क्योंकि आपके मार्क्स ये जाहिर कर रहे हैं फहीम भाई के यू वर नियर टू बीइंग पास्ट। सर बिलो दिया था लास्ट अटेम्प्ट में, अब कैफ 1 2 3 शुड एड बिलो, आपने मुझे मार्क्स नहीं बताए तो अब मैं इसके ऊपर कोई कमेंट आगे नहीं कर सकता। अनूत कुछ कह रहे हैं, सर मैंने BMS दिया था वो भी 1.5 महीने के क्रैश कोर्स वाला, लेकिन ठीक है पास नहीं हो पाया। FR1 CMA लॉ टैक्स 4 पेपर्स लिए हैं? नहीं, आप की अगर तैयारी अच्छी जा रही है तो आप इसको कर सकते हो। ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि आपकी तैयारी कैसी है, तो उसका एनालिसिस तो अब आपने करना है। अच्छा जी सर सर चैट बॉक्स कहाँ है? सर उसामा से क्वेश्चन करना है, आपने जैसे ये लिखा है ना अरिशा, आप वैसे ही अपना सवाल लिखो। सर अगर लॉ 40+ पे रुका हो तो दोबारा से लेक्चर लेने चाहिए? डिपेंड करता है कौन सा वाला लॉ, क्योंकि अब आप बी लॉ की बात करोगे तो उसमें 4 टॉपिक्स ऐड हुए हैं, सी लॉ में भी 2 बातें ऐड हुई हैं, तो स्पेसिफिक मॉड्यूल्स अलग से परचेज कर लो उन एडिशंस को कवर करने के लिए, या आप डेडिकेटेड पोस्ट बैच में आ जाओ ताकि आपकी तैयारी एक ही फ्लो में चले शुरू से, ज्यादा बेहतर यही है। सर डज द लिमिट ऑफ 6 अटेम्प्ट्स पर पेपर स्टिल एग्जिस्ट? अब आप वो पेपर लिमिट नहीं है, अब टाइम लिमिट है, इसलिए मैंने वो ग्रिड भी शेयर की थी। सर लास्ट से लास्ट अटेम्प्ट में कॉस्ट 42, FAR2 32 पे फेल हुई, इस दफा कॉस्ट 35 और FAR2 42 पे फेल हुई, बहुत डिसहार्ट हूं, बताएं क्या करूं? आपको ये करना चाहिए बेटा कि कॉस्ट और FAR2 के टेस्टिंग सेशन में आओ और ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो शामिर, कि तुम्हारी गलती किधर थी। आई नो यू पर्सनली, तो तुम्हें यही करना चाहिए। सर हाउ मेनी आवर्स? ये मैं बता चुका हूँ, थ्योरेटिकल के लिए 1.25 घंटा, बाकी के लिए 2.25 घंटे। सर लेक्चर्स क्या न्यू स्कीम पे अवेलेबल हैं? जी बिल्कुल हैं। सर इस अटेम्प्ट के लिए FR1 CMA टेक्स्ट पढ़ रहा था, बी लॉ फेल हो गया 44 पे, अब मैं CMA ड्रॉप करके बी लॉ और सी लॉ और FR1 और टेक्स और पता नहीं क्या क्या कर लूं। आराम से, थोड़ा हौसला करें। FR1 CMA टेक्स्ट, ये 3 नए पेपर्स हैं आपके, और बी लॉ आपका फेल हो गया 44 पे, तो अब आपको ये करना चाहिए प्यारे भाई कि कम से कम बी लॉ यानी कि बी लॉ कैफ 4 और सी लॉ कैफ 7 ये उठाएं। 44 इज वेरी नियर टू बींग पास्ट, तो कोशिश करें कि इनको तो पहले फारिग करें, इसके साथ तीसरा पेपर आप इन तीनों में से कोई भी उठा लें जो अभी तक आपका अच्छा जा रहा हो, बाकी 2 को अली जहीर फ्रीज करवा लें। तो मैंने 4 सर मैंने फर्स्ट 4 पेपर्स रखे थे, 2 एग्जेम्प्ट हो गए ड्यू 2 एक्सेप्ट हो गए ड्यू टू बैड हेल्थ कंडीशन, लॉन्ग BMBS का अच्छे से रेडी नहीं कर सका सो मैं फेल हो गया। अभी मैंने CMA डिजी से FR1 CMA टैक्स ले रहा हूँ, प्लीज गाइड मी के बी लॉ ले लूँ? देखो अगेन बी लॉ के लिए सबको एक ही मशवरा है, बार बार कहूंगा, वो बच्चा जिसका 40+ पे रहा है उसके पास आइडियल चांस है, जैकपॉट तुम्हारा लग सकता है। सी लॉ का सिलेबस बहुत कम हो गया है, बी लॉ का सिलेबस भी कम है, जो नई चीजें ऐड हुई हैं वो कोई इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं है, जब तक आई कैप को पता नहीं चलता कि उसने क्या कर दिया सिलेबस के साथ, तुम्हारे पास बहुत अच्छा मौका है इन पेपर्स को पास करने के लिए। बी लॉ सी लॉ का कॉम्बो एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है, बी लॉ एंड सी लॉ लें जी। अच्छा जी सर बी लॉ दिया था लास्ट अटेम्प्ट में, अब कैफ 1 2 3 ये तो मैंने आपको आंसर कर दिया एसन, ये सवाल रिपीट हो रहा है जी। हसन शाहिद कुछ कह रहे हैं कि सर मैंने इस अटेम्प्ट में FR1 BMBS ऑडिट और टैक्स दिया था, टैक्स मेरा पास हो गया, 3 रह गए हैं, और FR1 BMBS सेकेंड टाइम 40+ में फेल हुआ, BMBS को तो बाद ही लेना करते, अब मैं FAR2 और CMA पढ़ रहा हूँ, बिल्कुल गुड है, और मैं कैन आई गो फॉर 5? नहीं हसन शाहिद, 5 पे ना जाना, 3 दे के 3 पास करना इज वे बेटर देन 5 दे के 1 या 2 पास करना, तो शुड गो फॉर 3 ओनली।
सर हाउ टू गेट मैरिट सर्टिफिकेट, इसके लिए चूंकि नई स्कीम आई है, शायद आईकैप ने कुछ रूल्स भी चेंज किए हों, तो इट्स मोर बेटर कि आप आईकैप को मेल करके इस चीज का आइडिया लेके शेयर करें, बाकी जो आपको मेल का रिस्पॉन्स आए आपने मेरे से भी शेयर कर दें। सर किस बुक को कितना टाइम दू, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, थेरेटिकल 45 मिनट्स, 1 आवर, 1 आवर 15 मिनट्स इज गुड, और न्यूमेरिकल करिए 2 सवा 2 घंटे। दुआ कह रही हैं कि सर एक सेकेंड, क्या कह रही है सर, कह रहा है कि 4 पेपर्स इंक्लूडिंग MFA इफ आई हैव स्टडीड 3, यस बिल्कुल, अगर आपने 3 पहले पढ़े हैं तो यस यू कैन गो विद 4। सर मेरे 10 मार्क्स आए हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, तो बेटा फिर ये साफ साफ जाहिर कर रहा है कि तुम्हारी तैयारी बिल्कुल भी नहीं थी। सर हाउ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस इन एग्जाम, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सुनो एग्जाम के अंदर कॉन्फिडेंस कैसे लाया जाए, ये कॉन्फिडेंस आपने अब से डेवलप करना स्टार्ट करना। जब आप सारी क्लासेस अटेंड करो, सारे टेस्ट दो, टीचर के साथ रबते में रहो, असाइनमेंट्स को सॉल्व करो, तो ये कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जाता है 2 या 3 की रेशियो से, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स, ये बढ़ता है, कम नहीं होता, अगर आप टीचर के साथ साथ चल रहे हो ना, अगर आप चीजों को एनालाइज कर रहे हो, समझ रहे हो, सीख रहे हो, तो ये कॉन्फिडेंस विद द पैसेज ऑफ टाइम डेवलप इतना ज्यादा हो जाता है कि एग्जाम हॉल में वो बच्चा जो आपके साथ बैठा परेशान हो रहा होगा, आप वही सवाल सबसे पहले और सबसे अच्छा लिख रहे होगे। और अगर आपको मजीद मोटिवेशन, मजीद कॉन्फिडेंस चाहिए, तो एक दफा अपने वालदैन की आंखों में झांक के देख लेना, उससे बेहतर, उससे अच्छा कॉन्फिडेंस कहीं नहीं तुम्हें मिलेगा। सर बोथ, सर मैं बोथ लॉ FR1 कॉस्ट मार्च में दे दूं, मेरा टैक्स पास है FR140 और लॉ 38, FR140 लॉ, हाँ जी कर सकते हो आप बिल्कुल, कर सकते हो कामरान बदर। अच्छा जी मजीद सवाल देखते हैं, अगर आपका सवाल मिस हो जाए तो कोई मसला नहीं, क्योंकि सवाल की जो काउंटिंग है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, मैं वन बाय वन करके देख रहा हूं। तस्वीर कह रहे हैं कि सर आई फेल्ड ऑडिट एंड R2 एंड कॉस्ट ऑन 30, व्हाट शुड आई डू, तीनों की पोस्ट बैच में क्लासेस इज अ मस्ट फॉर यू। सर जिन्होंने इंट्रो नहीं पढ़ी हुई और पैरेलल वो भी पढ़ रहे हैं, तो क्या FR1 भी कर रहे हैं, तो इट्स ओके कि अगर वो टैक्स या लॉ साथ रख लें, जी इट्स ऑल ओके, कोई मसला नहीं है, बस आप करने वाले बने हारिस। मारिया कह रहे हैं कि सर BMBS पास हो गया, चलिए मुबारक हो, आपका MFA तो एग्जाम्प्ट हुआ ना, FR1 22 पे रह गया और टैक्स 46 पे रह गया, नेक्स्ट कौन सी बुक रखूं साथ, ऑडिट इजी लग रहा है मुझे, यही बात है कि लगता इजी है मगर विदाउट FR2 की एक अच्छी नॉलेज चीजें मुश्किल होंगी, चीजें मुश्किल हो सकती हैं, तो इट्स बेटर नॉट टू ऑप्ट ऑडिट, आप इसके अलावा कोई पेपर देख लो। अच्छा जी सर ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स हैं कितने आर्ट्स पढ़ना चाहिए, मैं बता चुका हूँ, बहुत दफा बता चुका हूँ, अब नहीं बता रहा। अच्छा जी उमेश कह रहे हैं कि सर मैंने 2 सीनियर्स से पूछा था पेपर अटेम्प्ट, एक ने कहा कि अपने आप से नहीं लिखना, दूसरे ने कहा कि खाली नहीं छोड़ना, विच वन इज राइट, बोथ हैव पास्ड इन देयर फर्स्ट, दोनों स्ट्रीम पे खड़े हैं। वो बच्चा जो आपसे कह रहा है ना कि अपने से नहीं लिखना, वो तो सही कह रहा है कि अपनी कहानियां नहीं पेपर में लिख के आनी, और एक जो कह रहा है कि पेपर खाली नहीं छोड़ना, वो इसलिए आपसे कह रहा है कि सवाल आपने कम से कम सारे अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि अगर आपके एक सवाल में से 1 मार्क 2 मार्क भी आ जाए तो शायद वो 47 या 48 को 50 तक खींच के ले आए, तो वो लिखो जो कि वो रिक्वायर कर रहा है, वो ना लिखो जो आपको पता है, तो दोनों के मशवरे को ब्लेंड करके आप लेके चल सकते हो, बट राइट ओनली एज पर रिक्वायरमेंट। तो ये उमेश दिस वॉज फॉर यू, मजीद आगे चलते हैं।
सर आपकी ऑडिट की पोस्ट ये आपको टीम बता देगी। जुहेब आपका मैसेज टीम रिस्पॉन्स कर देगी। वैसे 15 से स्टार्ट हो रही क्लासेस। सर बी लॉ ज्यादा इजी है या सी लॉ? सी लॉ। सर क्या पोस्ट बैच में शराब दबावली के रेगुलर वाले ही लेक्चर चलेंगे या नहीं चलेंगे, या क्या होगा या क्या नहीं होगा, ये हम लोग ओरिएंटेशन के अंदर डिस्कस करेंगे कि प्रोसेस क्या होगा पोस्ट बैच का। बट इस वक्त इशू आपको गाइड करने का है, हेल्प करने का है, ना कि कोई प्रोडक्ट सेलिंग। सर सीएमए के लिए लाजमी है टेस्ट, अगर मैं 40 पे अबव पे फेल हूँ? जी बिल्कुल मोहसिन, बहुत लाजम है, इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है। जी मेहताब कह रहे हैं सर लास्ट अटेम्प्ट में लास्ट थ्री सब्जेक्ट 40s में रहे, इस दफा लेस देन 30s एंड 30s में, ऑल्दो एग्जाम्स वर बेटर देन लास्ट टाइम, आई एम शॉक्ड। यू डोंट नीड टू बी शॉक्ड, गलती हो सकता है कि आपके एंड पे हुई हो और आपको रियलाइज ना हो रही हो। एक दफा 40 आना डजंट मेक मार्किंग ऑन अ स्टोन के नेक्स्ट टाइम आप 40 से नीचे नहीं जा सकते। कोई मसला नहीं है, शायद आप एग्जाम हॉल में पैनिक कर गए हो, शायद लंक आपके साथ ना हो, शायद कोई ऐसा मसला हो गया हो, शायद आपने एक पेज के ऊपर एक से ज्यादा सवाल कर दिए हो, शायद सेम पार्ट्स आपने कर दिए हो, तो कोई मसला और हो सकता है। परेशान ना हो, दोबारा से लगन से तैयारी करो, काम आपका बन जाएगा। सर हसन कह रहे हैं कि मैं एमएफए कॉस्ट एंड ऑडिट रहते हैं, क्या मुझे 3 अटेम्प्ट करने चाहिए? जी बिल्कुल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। वैसे तो 2 तक की आई के आपने बात कर दी है, तो अगर आप एमएफए ड्रॉप भी करना चाहें जो कि आप खुद भी कह रहे हो, तो मसला नहीं कोई। सर कॉस्ट न्यू सिलेबस के मुताबिक आसान हो गई है? जी बिल्कुल आसान हो गई है, 4 मेजर जो बड़े हिस्से थे वो अब निकल चुके हैं। सर मेरी तैयारी ऑडिट की 110% थी, आई हैड डन ऑल पास पेपर्स, रिटर्न प्रैक्टिस भी की, ये भी किया वो भी किया, बट स्टिल फेल्ड। मुझे आपने मार्क्स तो बताए नहीं अपने, और तैयारी कभी भी 110% नहीं हो सकती किसी भी पेपर की, जस्ट आपको लगता है कि आपकी तैयारी हो गई है। मुझे आप पहले मार्क्स बताओ नूर, उसके बाद बात करेंगे। सर अगर बिग 10 से बंदा अगर स्किप हो जाए तो बाकी ऑप्शन भी गुड होंगी? भाई ये एग्जाम गाइडेंस हो रही है, फर्म गाइडेंस नहीं चल रही, प्लीज। सर व्हाट सब्जेक्ट शुड आई चूज नाउ? जैनब आपने ऊपर कुछ भी नहीं लिखा, दोबारा से मैसेज टाइप करें और पूरा एक मैसेज में टाइप करें। अगर आप एक मैसेज से ऊपर जाती हैं या जाते हैं कोई भी बच्चे, तो वो हमें अलग अलग शो होता है मैसेज। सर टैक्स FR1 बी लॉ सी लॉ कम्बिनेशन ठीक है? अभी बी लॉ 49 पे फेल। शामिर खालिद आपने काम करना है, आपने अपना रिजल्ट मुझे भेजना है। बी लॉ या कोई भी पेपर हो IKF 49 पे फेल नहीं करता। अगर 49 का मैसेज आपको आया है तो नीचे दिए गए नंबर पे मुझे स्क्रीनशॉट IKF के मैसेज का स्क्रीनशॉट भेजना है। जी फायजा कह रहे हैं सर प्लीज आंसर। फायजा दोबारा से मुझे आप सवाल जो है वो जरा लिख के भेजे। सर मेरा FTS 31 है, मैंने टैक्स FR2 कॉस्ट ऑडिट और PCSE दिया, टैक्स FR2 PCSE क्लियर है तो कोई बात नहीं, जो बाकी रह गए हैं उनको दोबारा से देखो। मार्क्स अगर 40+ हैं तो टेस्ट सेशन, अदरवाइज पोस्ट बैच। बल्कि FR1 ऑडिट और टैक्स इसके लिए जरूरी है कि पोस्ट बैच इज अ मस्ट, क्योंकि चीजें ऐड हुई हैं। सर बी लॉ सी लॉ FR1 एंड टैक्स एस कॉम्बो 47 मार्क्स इन लॉ लास्ट टाइम, आपको लॉ लाजमी उठाना चाहिए दोनों लॉ ताकि इसको पास कर सके। बी लॉ सी लॉ का कॉम्बिनेशन एक अच्छा हो सकता है इस अटेम्प्ट के लिए। जी सर MFA और कॉस्ट इकट्ठा कर सकते हैं? जी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, बट कोशिश करें कि फिर आपको गैप भी मिल रहा हो दो पेपर्स के बीच में। मौसम कह रहे हैं सर मेरा लॉ रुक गया है 37 पे, मैंने बहुत से पेपर दिया था, मैंने अभी कॉस्ट FR1 टैक्स सेलेक्ट किया है, अब बताएं मैं क्या करूं? चूंकि 37 पर रहा है तो वो दो पेपर्स तो आप देना, वो दो पेपर्स आप लाजमी दें,
और तीसरा पेपर आप देख लें कि इनमें से किसकी तैयारी आपकी अच्छी है। मैं 2 मिनट का वेट करूं, सिर्फ पानी का एक सिप पीने लगा। जी, एक बहुत बड़ा सवाल है पर्ल मैरी का। एक सेकंड, मुझे ये पढ़ने में काफी टाइम लगने वाला है। सर, आई हैड पेड फॉर टैक्स एंड कॉस्ट, बट आई अपीयर्ड इन कॉस्ट, जस्ट कुडंट अटेम्प्ट टैक्स बिकॉज आई वॉजंट प्रिपेयर्ड इन लास्ट अटेम्प्ट ओनली बिकॉज आई स्टार्टेड जॉब। ठीक है, आई हैव 5 पेपर्स लेफ्ट, व्हाट शुड आई डू नाउ? 5 रहते हैं, आईकैप ने इस दफा रिस्ट्रिक्शन खत्म कर दी है, तो 2 के साथ आप इस दफा जाओ बच्चे, और फिर 3 आप नेक्स्ट टाइम देना। 2 इसलिए कह रहा हूं कि आपका जो कॉन्फिडेंस शैटर हुआ पड़ा है वो इम्प्रूव हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह। जी, रजब अली कह रहे हैं कि सर CAF 1, 2, 3, 4 क्या ठीक है लॉ? हाँ जी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कह रजब भाई, कोई ऐसा मसला नहीं है। जी, फैज़ अहमद का सवाल मुझे नजर आ गया। सर, आपकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी और मुझे क्लासेस स्टार्ट से लेनी पड़ेंगी या टेस्ट सीरीज? फैज़ा, एक तो बच्चे आप 40+ पे फेल हुए हो, और दूसरा ये है कि अब ऑडिट के अंदर चेंजेस हैं, तो इट्स बेटर टू गो फॉर पोस्ट बैच, या अदरवाइज अगर आप जो एडिशंस हैं उसका एक सेपरेट कुछ चीजें परचेज कर लो, बट आई वुड रेकमेंड बोथ, क्योंकि उस पोस्ट बैच के अंदर भी टेस्ट सेशन साथ शामिल है, तो ऐसा नहीं है कि वो पोस्ट अलग चल रहा है। आई थिंक पोस्ट वुड बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू, क्योंकि हमारी जो पोस्ट की क्लासेस होती हैं सीए नोट्स का टेस्ट सेशन उसमें साथ शामिल होता है, चाहे वो सीए मेडिजी का हो चाहे वो नियर पियर से हो। बट अगर आपको ऑनलाइन भी कोई अच्छा पोर्टल नजर आता है तो जरूर आप वहां पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जी, मनाहिल अंजुम कह रही है सर बीलॉग का पेपर लास्ट अटेम्प्ट में लास्ट डेज की रिवीजन ना होने की वजह से, तो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? अच्छी प्लानिंग, अब से आपने देखना है कि आपने वो चैप्टर कितनी दफा तैयार किया, उस चैप्टर की आईकैप में वेटेज क्या है, आईकैप कैसे सवाल पूछ रहा है, कितने सवाल यहाँ से आते हैं, कितने मार्क्स के सवाल यहाँ से आते हैं, लास्ट टाइम कौन सा सवाल आया था, इसके अलावा और कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, तो रिवीजन यही चीजों को सामने रख के की जाती है बच्चे। मिनाहिल, आई होप आपको सवाल अब क्लियर है। सर, द टाइम विच इज लेफ्ट नाउ आफ्टर रिजल्ट इज सफिशियंट? जी बिल्कुल सफिशियंट है, कोई मसला नहीं है, लोग यकीन मानिए आखिरी 1.5 माह डेडिकेटेड वे में पढ़ के भी पेपर को पास कर लेते हैं, अभी तो टाइम बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है। जस्ट आपसे एक स्ट्रॉन्ग विल और डेडिकेशन ही रिक्वायर होती है पेपर पास करने के लिए, उसके अलावा हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए होता। अच्छा जी, सर स्कीम से पहले मेरे 2 अटेम्प्ट लग चुकी हैं, तो क्या अब वो न्यू स्कीम मेरे पे एप्लीकेबल होगी नहीं होगी? पिछली बातें खत्म हो चुकी हैं, अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ टाइम लिमिट है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की गेम अब नहीं है, जस्ट आपने टाइम को देखना है कि जो रह गया है कितने पेपर्स रह गए हैं उसके सामने देखें कितना टाइम बचा है, और आपने उसी टाइम में पेपर को पास करना है। पीसीएसई और डब्ल्यूएसटी के लिए आईकैप को मेल करें, क्योंकि यहाँ पे हर बच्चे का अपना अपना स्टेटस होगा, तो वो कोई वन साइडेड आंसर यहाँ पे आपको नहीं मिल सकता। अच्छा जी, जिशान सर, FAR 1 31 पे रह गया, सी लॉ बी लॉ और FAR 1 cos 4 ठीक है, क्योंकि क्योंकि आपने पुराना लॉ दिया है तो फिर 4 ठीक है, अदरवाइज मैं इस पे एग्री ना होता। पर्ल मैरी, आपका जवाब आपको मिल चुका है, आपने दोबारा से सवाल को पोस्ट किया। सवेबा, अपना सवाल दोबारा से भेजिएगा, क्योंकि आपने ऊपर के सवाल पूछा होगा और नीचे आपने बता दिया काइंडली सजेस्ट, तो कोशिश करें कि एक ही कमेंट के अंदर पूरा सवाल टाइप करके भेजें। सर,
रिमेनिंग पेपर वाली बात दोबारा से क्लियर कर दें। अगर आपका एक पेपर रहता है, दो रहते हैं, तीन रहते हैं या चार रहते हैं, तो आपके पास 2 साल का टाइम है। उसके बाद हर एक्स्ट्रा पेपर के लिए आप 0.5 उसमें ऐड करते जाएं, यानी कि 5 पेपर हो तो 2.5 साल, 6 पेपर हो तो 3 साल, 7 हो तो 3.5, 8 हो तो 4 साल। कैसर रोम सवाती, सर मैंने अभी ज्वाइन किया, सर मैंने FR1 और बी लॉ दिया था और वो 42 पे रुक गया था। अभी टैक्स कॉस और FR2 पढ़ा हूँ, अब मुझे कंपनी लॉ ऐड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बी लॉ तुम्हारा बेटा 40+ पे रह गया है, तो तुम्हें जरूर कर लेना चाहिए। बी लॉ और सी लॉ, चूंकि आपने लास्ट टाइम कंबाइन करके दिया था, तो सी लॉ का सिलेबस भी अब कम है, तो इसका एक कॉम्बिनेशन बन सकता है। अच्छा जी, अब सवाल बच्चों के ज्यादातर रिपीटेटिव हो रहे हैं। PCSE WST के लिए प्लीज आई कैप को मेल करें। शावेस हैदर, सर बुक का भी बता दें, ऑडिट के लिए फायदा पूछ रही है। बेटा जब आप आओगे तो आपको बता दूंगा। वैसे जो मैं यूज कर रहा हूँ, दैट इज वो हमारी अपनी ही ऑलरेडी मेड इजी, उसका 8वां एडिशन। शावेज हैदर, सर मैंने इस टाइम CMA ऑडिट R2 और टैक्स कर रहा हूँ, MFA और दोनों लॉ रहते हैं। अगर तो रहते हैं तो फिर उनको होल्ड कर लो और जो आपने उठाया है उसको ही कंप्लीट करो। शावेज, जो उठा लिया है वो सही है, क्योंकि आपने लॉ पहले नहीं दिया तो फिर कोई मसला नहीं है। जी सर, मुझे CMA 4 साल हो गए हैं, एक फीमेल है, मैंने बड़ी मुश्किल से ITA इको पास किया था, अब वो PRCA में चला गया। ठीक है, वो तो वैसे ही फारिग हो गया ना। मैंने 2 टाइम्स लॉ पढ़ा हुआ है, 1 टाइम टैक्स एंड 3 टाइम्स FR1 पढ़ा हुआ है, अब मैं दोबारा क्लासेस दे रही हूँ। बेटा मेरी बात सुनो, हर दफा क्लास लेना भी मुनासिब नहीं होता। पहले बैठ के अंडरस्टैंड करो कि पिछली दफा तुम्हारी गलतियां क्या थी, तुमने कितने टेस्ट दिए, तुम कहाँ पे लैग कर रही थी, तुम्हारी एरिया ऑफ वीकनेसेस क्या क्या थे, इसके बाद ही तुम कुछ समझ पाओगी। तो एकदम से ये फैसला करना कि जरा मैंने 4 पेपर देने हैं, मैंने 3 देने हैं, मैंने 2 देने हैं, ऐसा नहीं होता। पहले सोचे समझे, एनालाइज करें, असेस करें, देखें और उसके बाद उसको प्रॉपर फैसला करें। सर CA नोट्स पर टेस्ट इनका अक्सर स्टार्ट हो रहा है 22 से और पोस्ट बैच 15 से। जी लाइव क्लासेस होंगे, बिल्कुल लाइव होंगे। सर एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स कैफ के लिए जो हैंड आउट कोर्सेस, ये बेटा आई कैप को मेल करें। PCSE WST हैंड्स ऑन कोर्सेस के लिए आई कैप विल गाइड यू मच बेटर, बिकॉज हर बच्चे का अपना अपना स्टेटस है। इस वक्त हम बात कर रहे हैं आपके इश्यूज को लेकर। सर आई हैव लेफ्ट विद MFA कॉस्ट एंड ऑडिट, शेल आई गो फॉर ऑल MFA? ठीक है हसन, अगर आप फुल जोश में हो, फुल कॉन्फिडेंस में हो, तगड़े हो, तो फिर आप कर सकते हो। जी स्वेबा का मैसेज आ गया कि सर मेरा लॉ 40 पर रहा था, देन दोनों दे दूं R2? हाँ जी, कोई मसला नहीं। अगर ये 5 पेपर का कॉम्बो बन जाएगा तो फिर तुम्हें ड्रॉप करना पड़ेगा बेटा। फिर तुम्हें कम से कम R2 तो छोड़नी पड़ेगी। R2 और हाँ R2 ड्रॉप कर दो, टैक्स कॉस्ट और फिर लॉ ज्यादा बेहतर रहेगा सभी में। सर Spring 21 में कैब स्टार्ट किया था, अगर Spring 23 में क्लियर हो जाए तो कोई मसला नहीं, बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए। आगे चलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा सवाल है, वन बाय वन करके हम देख रहे हैं। सर मैं इस टाइम CMA ऑडिट R2 और टैक्स कर रहा, ये हो गया, ये तो मैंने आंसर कर दिया। एक काम करते हैं, इसको एक जी सर मैं BCom के साथ CA कर रही हूं, तो क्लासेस में ही पूरा दिन निकल जाता है, सेल्फ स्टडी कैसे करूं? क्यों क्लासेस में कैसे, आप BCom प्राइवेट नहीं कर रहे ना फिर, इसका मतलब है क्योंकि क्लासेस में पूरा दिन कैसे निकलता है आपका? आप कहीं कराची से तो नहीं जहां पे क्लास ही शाम में होती है? मुझे लग रहा है कि आप ऐसे ही कुछ कर रहे हो। अच्छा जी सर, लॉ पास हुआ और BM वेरी 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 फास्ट ट्रैक पर था, अब वो 40s में रह गया है, तो कोई मसला नहीं है, उसके बदले आप कॉस्ट या MFA के साथ कहानी को आगे लेके जा सकते हैं।
जी, इधर ही हूं मैं, आपका सवाल देख रहा था। अच्छा जी, जैनब कह रही हैं सर टैक्स FIR 1 दिया था, टैक्स 47 पे फेल है और FIR 1 32 पे है। अभी मैंने FIR 2 बीला और CM में उठाया है, पेपर सिलेक्शन बता दो। सर जैनब, आप एक काम करो बेटा, टैक्स के टेस्ट सेशन दें और बाकी की क्लासेस लें, आपका कम्बिनेशन बहुत अच्छा है। अच्छा जी, और आगे चलते हैं। कुछ लोग जी, सर CMA के साथ सीलो रखना इज अ गुड ऑप्शन और नॉट, बिकॉज देर इज नो गैप बिटवीन दीज टू। आई हैव स्टडीड बीलॉ बट फेल्ड एट 38। देखो, अगर बीलॉ पहले भी पढ़ा है और सीलॉ में गैप नहीं भी आ रहा तो मसला नहीं है, क्योंकि सीलॉ का जो सिलेबस है दैट इज ऑल्सो वेरी शॉर्ट, तो कोई मसला नहीं आने वाला आपको इंशाल्लाह ताला। अगर पहले भी कवर कर रखा है तो आप उसको कवर इजीली दोबारा से कर लोगे। सर ICAP की बुक से कैसे पढ़े हार्ड कॉपी? देखो, ICAP की बुक में ना एग्जाम्पल्स और इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा है, कोशिश करो कि ICAP की जो अपनी बुक है उसको एक दफा स्किम कर लो, बेशक को सॉफ्ट फॉर्म में उसको आप डाउनलोड करके एक दफा देख ले, अदरवाइज अपने नोट्स या टीचर की बुक को फॉलो किया करें। जी उमेर आलम भाई, मैं आपको आंसर देने को तैयार हूं, अगर आप एक ही बॉक्स के अंदर पूरा मैसेज टाइप कर दें तभी मैं आपको आंसर दे पाऊंगा, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा आपका सवाल स्पेसिफिकली ढूंढना। टीम भी साथ साथ जवाब दे रही है, मुझे नजर आ रहा है टाइप हो रहे हैं। जी फायजा का सवाल दोबारा से रिपीट होकर नीचे आया है, मैंने उसको आंसर कर दिया है। अहमद रजा का भी आंसर हो चुका है, और कौन रहता है जी? यूसुफ शहजाद भाई PCSE की बात कर रहे हैं, भाई साहब आपने वो कर देनी है, ICAP से पूछना है आपने। एक सवाल जो बहुत दफा रिपीट हो रहा है ना, बहुत दफा रिपीट हो रहा है, वो ये है कि सर ऑडिट FIR 2 सी लॉ बी लॉ। देखो, मैं एक चीज पे जो पहुंचा हूं वो ये है कि तकरीबन आप सबकी क्यूरी सेम है, मैं उसको सम अप करता हूँ। सम अप, इसकी एक समरी पहले सुन लें उसके बाद मजीद बात करते हैं। ऑडिट अगर उठाना हो तो FIR 2 लाजमी, या तो पहले पढ़ा हो या साथ साथ पढ़ो। जो बच्चा बीलो में फेल हुआ है उसके पास एक जैकपॉट टाइम है कि वो बीलो सीलो दोबारा से इकट्ठा अटेम्प्ट कर सके, ताकि उसकी जो पुराने नॉलेज है वो भी काम आए और वो दो पेपर्स इकट्ठे निकाल ले। ये पेपर कंपैरेटिवली अब आसान हो गया है डिवीजन के बाद, जब तक आए कि आपको पता नहीं चलता कि सिलेबस कितना मैंने शॉर्ट कर दिया है, आप कोशिश करें कि उसको इधर से ही पास कर लें। फिर टैक्स में अगर आप रह गए हैं तो टैक्स का टेस्ट सेशन इज गुड। FIR 1 में अगर आप रह गए हैं तो FIR 1 में चूंकि नए स्टैंडर्ड ऐड हो गए हैं तो उसमें आपको चाहिए कि आप एनरोलमेंट करवा लें उन नए स्टैंडर्ड्स के लिए, क्योंकि अब पैटर्न भी चेंज हो गया FIR 1 का। सेम इज विद ऑडिट, ऑडिट में भी उसने ग्रेड को चेंज कर दिया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, बच्चों के सवाल अक्सर इसी चीज के गिर्द घूम रहे हैं। मजीद हम कुछ सवाल देखते हैं। जी जनीता कासमी कुछ कह रही हैं कि सर मैंने FIR 1 टैक्स और BM दिया था, BM मेरा पास हो गया, तेरे मुबारक हो, आपका MF एग्जाम्प्ट हुआ। FIR 1 टैक्स दोनों 30s में हैं और इस दफा FIR 2 बी लॉ नहीं, 5 के लिए नहीं जाना, ज्यादा से ज्यादा बेटा 3 अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें FIR 1 चूंकि पहले दे रखा है वो उठा लो, टैक्स उठा लो, और नीचे अगर तो आपको CMA पसंद है, CM अच्छे से जा रहा है तो CM इज अ गुड ऑप्शन, अदरवाइज बी लॉ में से सी लॉ वाला पोर्शन उठा लो, चूंकि आपने बी लॉ नहीं पढ़ा हुआ तो देन CMA वुड बी अ गुड। तो FIR 1 टैक्स और CMA, FIR 2 अभी आप ड्रॉप कर दो क्योंकि आपका FIR 1 पास नहीं हुआ, तो दो सेम नेचर के सब्जेक्ट्स के साथ जाना बेवकूफी है। योशुआ, मैंने कहा कि ये WST PCSE के ऊपर ICAP और सिर्फ ICAP ही बेहतर गाइड कर सकता है, इसके ऊपर मेरी गाइडेंस इतनी ज्यादा ऑथेंटिक नहीं होगी।
जी इल्सा कलीन को भी आंसर ऊपर मिल चुका है। और कौन है पीछे? सना असलम कुछ कह रही हैं कि सर क्या FR1 R2 और कॉस्ट साथ कर सकते हैं? तीन न्यूमेरिकल हैं, R1 38 पे रह गया था। अगर कोई और ऑप्शन नहीं है तो कर सको तो कर लो, अदरवाइज R2 की जगह पे कोई और पेपर ऐड कर लो, और वो पेपर ऑडिट नहीं होना चाहिए कम से कम। सर BMBS 48 पे फेल हो गया है, मैं क्या करूं? कॉस्ट अगर पास है तो MFA उठा लो, अगर कॉस्ट नहीं पास तो फिर कॉस्ट का पेपर उठा लो। सर कॉस्ट के साथ ऑल्ट का कोई लिंक है? बिल्कुल नहीं, सिर्फ और सिर्फ रिपोर्टिंग का लिंक है, कॉस्ट का कोई लिंक नहीं है। सर FR2 में 14, टैक्स में FR2 में 14, ओके, टैक्स में 42, पिछली दफा 40 थे, BMBS में 32, करंट ऑडिट और कॉस्ट पढ़ रहा हूँ, कौन कौन से सब्जेक्ट्स रखूँ? ओके टैक्स तो बेटा लाजमी उठाओ, FR2 चूंकि 14 नंबर हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं थी, और BMBS में 32 हैं तो यानी कि अब आपको इसकी जगह पे कॉस्ट रखना पड़ेगा। तो अगर आप दो के साथ कंफर्टेबल हो तो वो दो टैक्स और FR2 हो सकते हैं, अदरवाइज आप कॉस्ट बीच में ऐड कर लो। सलमान भट्ट आपको आंसर भी मिल गया होगा। अगेन प्रोडक्ट प्लेसमेंट यहाँ पे नहीं कर सकता मैं, अदरवाइज सवाल हैं पोस्ट पेजेस के और डिसेशन के तो वो मैं फिलहाल इग्नोर कर रहा हूँ। अगर टीम अपने पास से जवाब देना चाहे तो वो दे दे, मैं इसका आंसर नहीं कर सकता। जी सर आपने कहा कंपनी लॉ, सर आपने कहा कंपनी लॉ FR2 टैक्स ऑडिट कॉस्ट, नहीं मैंने ये पांच कभी नहीं कहा आपको, क्या सर? इनसे कोई से तीन, और अगर आप सेल्फ स्टडी पे हो, अगर आप सेल्फ स्टडी पे हो तो फिर ऑडिट वो पेपर है जो कि सेल्फ स्टडी से पास नहीं होता ना तैयार होता है, तो बेटर है कि इस तरह ना करो। सर लॉ पास हुआ और BM, ये तो आंसर हो चुका है, वेरी 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 फास्ट वाला। सवाल रिपीट ना करें प्लीज, हमें टाइम लग रहा है पढ़ने में क्योंकि सवाल बहुत ज्यादा है, तो अपने सवालों को रिपीट ना करें, अदरवाइज कोई फायदा नहीं होगा आपको। जी उमर इशफाक कह रहे हैं सर BM 43 पर रह गया, पूरी उम्मीद थी कि पास हो जाऊंगा, ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर ऑडिट FR2 कॉस्ट, नाउ वांट टू आल्सो ज्वाइन MFA, कांट वेस्ट फर्दर 6। बेटा ये नहीं सोचना, ये कोई मेक श्योरिटी नहीं है कि चार दे के चार पास कर लोगे, कोई पेपर रह भी गया तब भी तुम्हारे 6 माह लगने ही लगने, तो इट्स बेटर कि आप उसको डिवाइड करके 2 माह पे स्प्रेड कर लो। आर्टिकल्स में मसला नहीं मिलेगा, आर्टिकल्स आपको फिर भी मिल जाएंगे, वक्त पूरा सेशन ना जाया कर देना, बस मुझे इसी चीज का फिक्र है। जी अब ज्यादातर जो है वो शुक्रिया के मैसेज आना शुरू हो गए हैं। एक सेकंड, सवाल चल एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, एक काम ये करते हैं जनाब कि अब से ऑनवर्ड्स जो सवाल है मैं उसका आंसर कर रहा हूँ पूरे 5 बजे के बाद, तो जो स्टूडेंट्स जिनका अभी तक आंसर नहीं हुआ वो अब अपने क्वेश्चंस को पुट अप करें। चल अब सारे थैंक यू के मैसेज आने शुरू, और थैंक यू नहीं करने का कहा मैंने भाई। सर FR1 BMBS दिया था, दोनों 40 पे रह चुके हैं, टैक्स FR2 CA में देना चाह रहा हूँ, FR1 में टाइम मैनेज नहीं हुआ था जो लास्ट में प्रैक्टिस दे दूंगा, BMBS की जगह MFA। हाँ जी जैन सही है, कोई मसला नहीं है, और अगर आप वही जैन हो तो पर्सनली आके भी मिल सकते हो, कोई मसला नहीं। जी नाजेश व्यास, नाजेश व्यास आप कोशिश करो कि बेटा पूरा सवाल एक मैसेज में टाइप करो, क्योंकि इस तरह सवाल ऊपर चला जाता है और आपका कमेंट नीचे आ रहा होता है, तो एक ही बॉक्स के अंदर आपने सवाल लिख के मुझे भेजना है। जी योशुआ कह रहे हैं कि सर लव फ्रॉम कराची, थैंक यू योशुआ भाई,
पर मेरी सर कॉस्ट रिसेंटली फेल्ड बी लॉ क्लासेस ले रही, ऑर्डर रिमेनिंग। आपको मैंने आंसर कर तो दिया, पर अगर मजीद कोई गाइडेंस चाहिए तो नीचे नंबर पे भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो बेटा। सीए नोट्स फिटर सेशन कब से शुरू हो रहे हैं? सीए नोट्स के 22 से शुरू हो रहे हैं। सैंपल स्टूडेंट कुछ कहना चाह रहे हैं, और ये जो सैंपल स्टूडेंट हैं ये मुझे खटक रहे हैं। कौन? अच्छा, जी सैंपल स्टूडेंट की हमें तफ्तीश करानी पड़ेगी, क्योंकि ये वो वर्ड यूज कर रहे हैं जो कि मैं अक्सर यूज करता हूं। खैर, मोहम्मद हारिस हारिस कह रहे हैं कि सर अगर मैं FAR 1, FAR 2 और कॉस्ट अभी उठाऊं, FAR 1 रिफ्रेशर में 43 पर रह गया है, तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में ऑडिट, MFA और टैक्स रहेंगे, तो वो मैं एक चीज का ख्याल रखो, मेरी बात सुनो, सारे मेरी बात पहले कान खोल के सुन लें। अभी नेक्स्ट अटेम्प्ट का ना सोचें आप लोग। ये अगेन ब्लंडर करेंगे कि नेक्स्ट अटेम्प्ट का सोच के कि जनाब मेरी इतनी अटेम्प्ट हो गई है, इतनी काउंट हो गई है, इतनी रह जाएंगी, फिर ये होगा, फिर वो होगा। इतना ज्यादा तंग ना हो, जो है अभी उसी पे फोकस करें। मैं दोबारा से एक क्विक समरी दे दूं, बी लॉ जिसका रह गया वो सी लॉ बी लॉ इकट्ठा करके दे, जैकपॉट लग सकता है। जिसका BMBS रह गया, अगर तुम्हारा कॉस्ट पास नहीं है तो कॉस्ट में आओ, और ऑडिट के लिए FAR 2 लाजमी, या तो पहले पढ़ा हो या साथ साथ पढ़ रहे हो। ये क्विक समरी है, इसको हमेशा याद रखना। अच्छा जी, सर फेल्ड ऑडिट एट 48, FAR 2 एट 47, क्या पोस्ट बैच लूं? FAR 2 का टेसेशन काफी रहेगा, ऑडिट में चूंकि चेंजेस हैं तो आई वुड रिकमेंड अ पोस्ट बैच, वो आप कहीं से भी ले लें, बट देर हैज टू बी अ डेडिकेटेड पोस्ट बैच जिसमें चलती क्लास में आपको नाम बिठाया जाए। सर मैसेज थोड़ा लेंथी है, व्हाट्सएप पर रिप्लाई कर दीजिएगा प्लीज, सेशन के बाद मैं कर दूंगा। सर टैक्स और सीलॉ का पेपर में कोई ऑफ नहीं है? सीलॉ अगेन बता दूं, सीलॉ का सिलेबस इतना मुश्किल नहीं है, छुट्टी ना भी हो तो आप उसको प्रिपेयर कर सकते हो। सर BMBS 30 पर फेल हुआ और रिमेनिंग ऑडिट मुझे ठीक है। अच्छा जी, मजीद सवालों को देखते हैं, मजीद सवालों को देखते हैं, मजीद सवालों को देखते हैं। सर टैक्स और सीलों का पेपर में कोई ऑफ नहीं है, 1/11 को है। अच्छा ये हो गया, अच्छा जी ये हो गया है। असल में आप लोग ना सवाल टाइप करके दोबारा से टाइप कर देते हो, तो वो फिर सिर्फ क्वांटिटी बढ़ती है, फर्क कुछ नहीं पड़ता। अच्छा जी, सर मैं KF 1 से KF 3 तक दिए थे, लॉ का 38 पर, लॉ का 38 पर ड्रॉप हो गया, अब क्या FAR 1 टैक्स के साथ उठा लूं? उठा लो, अगर 38 पे है और आपको लगता है कि आपकी तैयारी अच्छी है तभी ये काम करना, अदरवाइज चूंकि आपने 2 की लिमिट अब कर दी है तो 2 सफिशेंट रहेंगे। सर टैक्स में 42 आए हैं, टेस्ट सेशन सही रहेगा? जी सही रहेगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। सर हाउ टू एनरोल इन पोस्ट बैच, ये आपको टीम बता देगी, ये टीम का कोई नुमाइंदा अगर यहाँ पे रिप्लाई कर दे, बिकॉज मेरे लिए ये बिल्कुल ही एक अनबायस्ड सा सेशन है। सर CMA और MFA एक साथ साथ दे सकते हैं? जी दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये देख लें कि दोनों में छुट्टी है या नहीं है, क्योंकि MFA के लिए आई वुड लाइक कि एक छुट्टी हो, पेपर नया है, कुछ नहीं पता है कि आप क्या टेस्ट करें, कैसे टेस्ट करें, तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। सही है। अच्छा इदरीस यूनस कह रहे हैं कि सर टैक्स और FAR 1 दूसरी बार फेल हो गया, आगे मैंने कॉस्ट और FAR 2 उठाई हुई है,
अच्छा जी, मजीद का कह रहे हो आप, अब समझ नहीं आ रहा क्या करना है सर। टैक्स एफ टू दूसरे पर फेड हो गया है, कॉस्ट है। मुझे आपने मार्क्स नहीं बताए इस, मुझे पहले मार्क्स बताओ। अच्छा मार्क्स आप नीचे बताए, मैं बेटा एक मैसेज में टाइप कर देते सर। 37 और 38, 37 38 नियर टू 40 है, FAR 138। मुझे बताओ FAR 2 की तैयारी कैसी है आपकी। अगर मेरे से मशवरा मांगोगे मैं आपको कहूंगा जनाब FAR 2 ड्रॉप कर दें, FAR 1 टैक्स और कॉस्ट वुड बी अ गुड कॉम्बिनेशन, FAR 2 ड्रॉप कर दो, चार के साथ जाने की कोई सिरे से जरूरत नहीं है। जी अबीर शेख ने छुट्टी के बारे में बात की, ये बात हो चुकी है, और क्या रह गया। स्टिल अगर किसी का कोई आंसर ना हुआ हो तो प्लीज। सर FAR 2 की अभी कर रहा हूं तैयारी, छोड़ दो, तीन बहुत है, तीन बहुत है, यही मसला है ना। आईकैप का है ना, तीन बच्चे कहते हैं सर तीन, वो आयकर में तो हमने जुल्म कर दिया। आप मुझे कहते हैं कि सर हमें चार के साथ जाना चाहिए, तभी तो आपने आयकर को बढ़ा दिया था। भाई हौसला रखो, प्रोफेशनल स्टडीज है, इतनी आसानी से ये क्लियर नहीं होता। कंसिस्टेंसी डेडिकेशन रिक्वायर्ड होती है हर स्टेज के ऊपर। जी जी बिल्कुल, सैंपल स्टूडेंट भाई मैं देख रहा हूं। सर किसी का लॉ अगर 40+ पे रुका हुआ हो और वो सी लॉ, और वो सी लॉ को, ठीक है ये आंसर हो चुका है पहले, वो हो चुका है आंसर पहले ना। चले जी, अब थैंक यू के मैसेजेस बहुत ज्यादा आने शुरू हो गए हैं। सेशन को वाइंड अप करते हैं एक लास्ट नसीहत के साथ, और वो क्या है, बहुत जरूरी है। इस सेशन का मकसद क्या था, इस सेशन की इंपॉर्टेंस क्या थी, जस्ट ये थी कि आपको एक राइट डायरेक्शन पे डाल दिया जाए। और जाते जाते एक जो नसीहत मैं करके जाना चाहूंगा वो ये कि अपनी अप्रोच में चेंज ले आए। अब आपको जरूरी है कि चीजें चूंकि डाइवर्स हो रही हैं, आप अपनी जो प्लानिंग है वो उसी के मुताबिक करें, और खुद से पूछा करें कि जनाब आप कहाँ पे खड़े हैं, अपने जमीर से पूछा करें कि सर आपकी तैयारी इस पेपर में कितनी है कितनी नहीं है। वो सब्जेक्ट्स को चूज करें और डिटरमिन हो, और जो चूज कर लेना फिर उसके ऊपर आपने अटल रहना है। फिर ये नहीं कहना, फिर लेफ्ट राइट नहीं होना कि अच्छा चलो 1 महीना पढ़ लिया, 1.5 महीना पढ़ लिया, उसके बाद छोड़ दिया, ऐसा नहीं। कॉन्टिन्यूस आपने एफर्ट्स करनी है, इंशाल्लाह ताला हर चीजें आपके साथ हैं। दुआओं में याद रखिएगा। स्टिल कोई अगर सवाल, कोई इशू, कोई क्यूरी पेंडिंग है तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, आप उस पर रब्ता करके मेरे से बात भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन के अंदर कभी भी आपको जरूरत पड़े आपका भाई हाजिर है। मिलते हैं, अल्लाह आप सबका निगहबान हो, इस उम्मीद इस दुआ के साथ के नेक्स्ट सेशन में आप लोग यहाँ पे मौजूद ना हो, आपके सारे पेपर्स पास हो, और आप दूसरों को मोटिवेट कर रहे हो, गाइड कर रहे हो। अल्लाह हाफिज।